नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका रन फॉर टेक्नोलॉजी पर। दोस्तों, काफ़ी लोग ऐसे हैं जो सोलर खरीदना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमारे जो दुकान है हम कनेक्शन ना करवा के एक सोलर पैनल लगा लें, और काफ़ी जो दुकान है, जो शॉप है हमारी, उसमें लाइट जलती रहें और पूरे दिन एक या दो फैन चलते रहें। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको बिल्कुल लाइव टेस्ट करके दिखाने वाला हूँ कि ये जो सोलर पैनल है, ये मात्र 100 वाट सोलर पैनल है, और इसे लगभग 4 से 5 साल हो चुके हैं इस दुकान में, शॉप में लगे हुए। और ये गारमेंट, जो रेडीमेड कपड़े की, जूते चप्पल के जो दुकान है, उसके छत पर ये लगा हुआ है। और मैं आपको बिल्कुल लाइव टेस्ट का दिखाने वाला हूँ कि ये दुकान में क्या क्या चला सकता है। और दोस्तों, जो बिल हैं वो काफ़ी महंगे हो चुके हैं, और जो बिजली के बिल हैं काफ़ी महंगे होते जा रहे हैं। लोग बिजली का कनेक्शन ना करा के एक अपनी शॉप पर सोलर पैनल लगाई होती हैं, उन्हें रात में लोग नहीं खोलते हैं, दिन में उनका काम होता है। मैं आपको एक सलाह और दूंगा, एक छोटी सी आप बैटरी रखवा लें, और उससे रात में, अगर दिन देर होती है, रात में नाइट में आप रहते हैं थोड़ी बहुत देर दुकान पर, तो एक छोटी सी बैटरी रखवा कर अपने दुकान में लाइट रॉड वगैरह जला सकते हैं। दोस्तों, ये 100 वाट सोलर पैनल है। दुकान मालिक से मैं आपको बात कराऊंगा, उनका कहना है कि ये जो पैनल है मैंने लगभग 5 साल पहले लिया था, और 5 साल पहले की जो कीमत थी इसकी लगभग 3500-4000 रुपये के समथिंग की इसकी कीमत थी। और दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, ये जो पैनल है ये गौतम सोलर कंपनी का पैनल है, कोई गौतम सोलर है या तो कंपनी है या फिर कोई डीलर है, उसका इस पर स्टिकर लगा हुआ है, और ये 100 वाट का सोलर पैनल है। मैंने जब दुकान में देखा तो मैंने पूछा दुकानदार से कि आखिर ये जो लाइट हैं, ये पंखे हैं, कैसे चल रहे हैं। इस शॉप में 2 पंखे लगे हुए हैं, एक AC पंखा लगा हुआ है और एक DC पंखा लगा हुआ है। जो सोलर से जो फैन चल रहे हैं वो 2 फैन हैं, नीचे एक सीलिंग फैन है और एक जो स्टैंड पे जो फैन होता है वो फैन है। लाइट है इसमें काफ़ी जो सोलर से चल रही हैं, इस शॉप में आपको दिखाने वाला हूँ, बिल्कुल लाइव टेस्ट इसमें दिखाने वाला हूँ। और दोस्तों, शर्त ये होगी कि आखिर ये पैनल इतना पावरफुल क्यों है। इन दुकानदार का कहना है कि जो सोलर पैनल है ये टाइम से टाइम इसकी सफाई होती रहनी चाहिए। आप देख रहे होंगे जो ये बसवार हैं इसके ऊपर, ये बसवार साफ होते रहने चाहिए, लगभग 1 से 1.5 महीने में क्रॉस कर देना चाहिए जो ऊपर गंदगी जमती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बने रही है, मैं पूरा वीडियो आपको एंड तक दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से इन्होंने जुगाड़ किया है। पहले दुकान मालिक से बात कराता हूँ कि आखिर ये इसे इनके दुकान में क्या क्या चल रहा है, और फिर मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो आपके पास में जल्द से जल्द पहुँच सकें। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ आपके चैनल को, जो आपने मुझे मौका दिया। इसका क्या है कि मेरी एक छोटी सी दुकान है गाँव में, ग्रेट नोएडा का रहने वाला हूँ मैं। तो ऐसा है कि बिजली का बिल काफ़ी ज़्यादा आता था और काफ़ी दिक्कत होती थी, क्योंकि सारे दिन दुकान में लाइट वगैरह जलती थी और फैन भी चलते थे, तो उस बिल में ज़्यादा दिक्कत आती थी। इसीलिए ये मेरे सस्ता बढ़िया सॉल्यूशन इसका निकला, और मुझे काफ़ी इसका फ़ायदा मिला है सोलर पैनल का, और मैं आपको दिखा सकता हूँ। अच्छा, ये कितना समय हो गया इसे लगे हुए? ये भाई साहब मेरे कम से कम 5 साल हो गए इसे लगे हुए पैनल जी। और ये मेरे दुकान में 5 लाइट जलाता है, 2 फैन है, 1 छत वाला पंखा है, 1 स्टैंडिंग फ़ैन है, दोनों को बराबर चलाता है पूरे दिन। और इसके साथ मैंने एक बैटरी भी अटैच कर रखी है, जो कि रात को भी उजाला देती है, जो है लाइट जलाती है। अच्छा, अगर मैं बात करूँ जो पैसे हैं, कितने रुपये का लिया था ये? मुझे भाई साहब कुछ 5 से 6 हज़ार रुपये में भी मुझे पड़ गया था। अच्छा। और बाकी इसका 1 महीने में इसकी रिपेयरिंग होती है, इसके जो बुरशे ऊपर वाले, इनकी रिपेयरिंग हो जाती है। जी 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 जी, बिल्कुल। एक महीने में स्टैंड भी बनवाया है आपने? स्टैंड इसलिए कि ये नीचे रहेगा थोड़ा, अच्छा सा नहीं लगेगा, इसलिए स्टैंड बनवा लिया, ताकि धूप का जो है सीधा इफेक्ट हो इस पर। अच्छा, तुम लोगों से क्या कहना चाहोगे इस बारे में? भाई, ये बहुत बढ़िया चीज़ है। अगर आप साधारण तरीके से बिल की बचत करना चाहते हो तो अपना सोलर पैनल लगवाइए, सबसे बढ़िया है, और बहुत बढ़िया फ़ायदा हमें तो लग रहा है भाई साहब इसका, बहुत अच्छी चीज़ है। सोलर पैनल ये कनेक्शन तो बिल्कुल बेकार है, क्योंकि गर्मी में बड़ा दिन होता है, ज़्यादा खर्चा आता है। सोलर पैनल सबसे बेस्ट है, कि इसकी वजह से जो है हम देखो पंखा भी चला रहे हैं, लाइट भी चला रहे हैं, बहुत बढ़िया चीज़ है, और आपको ज़रूर लगवानी चाहिए। 4 से 5 हज़ार रुपये का खर्चा इसमें आता है एक पैनल में। और मैं तो जितनी भी दुकान कर रहे हैं सभी से अनुग्रह करूँगा कि आप ये पैनल लगवाइए, 4 से 5 हज़ार रुपये का खर्चा आएगा मात्र, और आपको 4 से 5 लाइट जलाएगा और कम से कम 2 पंखे चलाएगा आप पे। चलो भैया, मैं आपको दिखाता हूँ, देखो मैं क्या क्या चला रहा हूँ अपनी शॉप में, और आप चल के देखो।
तो दोस्तों फाइनली मैं नीचे शॉप में आ चुका हूँ। आप देख रहे होंगे यहाँ पे दो पंखा चले हुए हैं, ये एक फ़ैन एसी है और एक डीसी फैन है, एक सोलर से चला है, एक लाइट का फ़ैन है और यहाँ पे लाइट भी जल रही है। कुछ लाइट ऐसे सोलर से जली हुई हैं और कुछ लाइट से जल रही हैं। मैं पहले आपको इस बैटरी के बारे में बता दूँ, ये जो वायर है ये हमारी सोलर की ऊपर से आ रही है, जो वायर है ये सीधी छत से आ रही है। और यहाँ पर क्या क्या है कि एक सोलर, ये जो बैटरी है लिपगार्ड की बैटरी है, ये लिपगार्ड की बैटरी इसलिए लगाई है अगर कोई लाइट भग जाती है तो लाइट जलानी हो तो इससे आसानी से जल सकती है। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं डायरेक्ट सोलर, तो डायरेक्ट सोलर ये फैन चला पाएगा या नहीं चला पाएगा, ये सोलर इतना पावरफुल है कि सोलर अगर मैं डायरेक्ट चलाऊं तो आप देख सकते हैं, ऊपर कैमरे को ऊपर करिए, पहले से दिखाओ, आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि मैं ये बैटरी पर लगा हुआ, पहले मैं इन्हें डायरेक्ट करता हूँ, ये अब सोलर से डायरेक्ट हुआ, बैटरी का कोई झंझट नहीं है। ये सोलर से फैन है जो अभी काफ़ी स्पीड में चल रहा है, आप देख रहे होंगे, ये डायरेक्ट है। अगर मैं इससे बात करूं तो इसे बैटरी से, अब इस बैटरी से है सोलर का सिस्टम हट चुका है। तो मैं अब इस सोलर और बैटरी से पंखा दोनों से चला हुआ है। और मैं आपको बता दूं, मैं आपको यही आग्रह करना चाहूँगा, आप एक छोटा सा पैनल लें और उसे अपनी छत पर लगाएँ, जो भी शॉप है, मार्केट में शॉप है आपकी, कहीं भी है। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो बिजली का कनेक्शन कराते हैं, एसी की बात अलग है, एसी के लिए काफ़ी बड़ा पैनल लगाना पड़ता है, उसके लिए सेटअप अलग चाहिए। हालांकि मार्केट में सोलर एसी भी आ चुकी हैं, उनके लिए सेटअप काफ़ी बड़ा होता है, लेकिन जो पैनल है ये 4 से 5 हज़ार रुपये के बीच में पैनल आया है 100 वाट का, और से 5 से 6 साल हो चुकी हैं, दुकान वाले मेरे पास में बैठे हुए हैं। और जो लोग शॉप कर रहे हैं मार्केट में, एक छोटा सा पैनल ले लें और अपने छत पर लगाएं, पूरे दिन आसानी से फैन, एक फ़ैन चला सकते हैं, और हो सकता है ये छोटा एक जो खड़े करने वाला फ़ैन होता है स्टैंड फैन, उसे भी आसानी से चला ले, और लाइट हैं 2-3 आराम से जला सकते हैं। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो मार्केट में दिन में ही रहते हैं लेकिन रात में वो नहीं रह पाते, उनके लिए काफ़ी बेहतरीन ये सोलर पैनल है। और दोस्तों ये गारमेंट जो रेडीमेड की शॉप है, यहाँ पर ये पैनल लगा हुआ था, मैं यहाँ पर किसी काम से आया था, इसलिए आपको सोचा कि एक वीडियो आपके लिए बना के दे दूँ ताकि आपको कोई ना कोई सीख जरूर मिल सके। तो दोस्तों इसी तरीके की वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।